यूपी में योगी सरकार की ओर से लाउडस्पीकर के आवाज को लेकर जारी एक आदेश ने प्रदेश में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों पर इस बार योगी के आदेश की सफल इबारत लिखी गई है। जिस लाउडस्पीकर पर देश भर में सियासत और गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पर यूपी में ना कोई विवाद हुआ है ना कोई विरोध। सभी ने सरकार के आदेश को खुले दिल से स्वीकार किया है। सरकार के सिर्फ एक आदेश पर मंदिर से लेकर मस्जिद तक सभी ने खुले दिल से इसकी तामीली की है। सिर्फ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6,000 से अधिक लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 29,000 से अधिक लाउडस्पीकर्स की आवाज को कम किया गया है, जिससे कि किसी आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। बड़ी बात यह है कि सरकार के आदेश का पालन हर जगह शांति से हुआ है। किसी दरगाह पर लगे स्पीकर से मंदिर की छत पर लगे स्पीकर तक, धर्मगुरुओं से मौलाना तक, सभी ने आदेश को मान लिया है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक, काशी से सहारनपुर तक और बांदा से जौनपुर तक, हर जगह अवैध लाउडस्पीकर्स को बिना किसी आपत्ति के हटाया गया है। प्रशासन की अपील और आदेश सख्ती से लागू करा दिए गए हैं। शायद ये अपने तरह का पहला आदेश होगा जब हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अफसरों की बात को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया है। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह तक कुल 6,031 लाउडस्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटा दिया गया है। इसके अलावा 29,674 स्थानों पर स्पीकर्स के आवास को मानकों के अनुसार कराया गया है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक स्पीकर वाराणसी मंडल में हटाए गए हैं, जहां 1,366 स्पीकर्स को धार्मिक स्थलों से हटा दिया गया है। इसके अलावा मेरठ, कानपुर और बरेली जोन में भी 1,000 से अधिक स्पीकर्स को हटाया गया है। वहीं आवाज़ कम कराने की बात की जाए तो ऐसा एक्शन लखनऊ में सबसे अधिक हुआ है। यहां कुल 6,400 स्पीकर्स की आवाज़ मानकों के अनुसार करा दी गई है। इसके बाद बरेली का नंबर है, जहां 6,257 स्पीकर्स का वॉल्यूम मानकों के अनुरूप कराया गया है। तीसरा स्थान मेरठ जोन का है, जहां पर 5,976 स्पीकर्स की आवाज़ कम करा दी गई है। यूपी के ये आंकड़े सरकार के लिए सुखद है। सरकार का कहना है कि लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाएगा और किसी को भी इससे परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने यह संदेश भी साफ तौर पर दे दिया है कि कार्रवाई जो भी हो सभी पर समान रूप से लागू होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।